मेन रोड के नजदीक गेटेड कंपाउंड के अंदर दिखाऊंगा 4 BHK फ्लैट जिसमें रजिस्ट्री और फाइनेंस आपको मिल जाता है, वो भी इतने अच्छे लस ग्रीन एरिया के बीच में। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सचिन गहलोत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने सस्ता घर के YouTube चैनल पर। दोस्तों आज जो प्रॉपर्टी मैं आपको दिखाऊंगा, इस मेन रोड से बिल्कुल नज़दीक प्रॉपर्टी दिखाऊंगा। इस मेन रोड से अपने कंपाउंड में आप एंटर कर जाएंगे, यहां से हार्डली 10 मीटर पर आपकी बिल्डिंग अवेलेबल है। दोस्तों अभी हम अपने कंपाउंड में एंटर कर रहे हैं, कंपाउंड में अभी बन रहा है क्योंकि इसमें कुछ बिल्डिंग अभी पेंडिंग हैं जो बन रही हैं। बिल्डिंग पूरी होने के बाद इसमें प्रॉपर आपको रोड बना कर देंगे, सिविल लाइन डाल कर देंगे, तो सारी सुविधाएँ आपको मिलेंगी इस कंपाउंड के अंदर। दोस्तों कंपाउंड के अपने बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, एक तो आपकी फैमिली बिल्कुल सिक्योर और सेफ रहने वाले इस कंपाउंड के अंदर, और इस कंपाउंड के अंदर 8 से 10 बिल्डिंगें ही बनेंगी तो इस कंपाउंड को इजीली आप मेंटेन भी कर पाएंगे। देख सकते हैं कंपाउंड के अपने सारे फ़ायदे होते हैं, और ये कंपाउंड जो है इसके सामने DLF फार्म हाउस है, तो काफ़ी अच्छा लस ग्रीन एरिया आपको मिलने वाला है आसपास, तो आपकी फैमिली सेफ भी रहेगी, सुरक्षित भी रहेगी और उनकी हेल्थ भी काफ़ी अच्छी रहेगी। दोस्तों आज जो प्रॉपर्टी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, 4 BHK फ्लैट दिखाने वाला हूँ जो 200 गज के अंदर बना हुआ है। अभी बिल्डिंग के सामने मैं खड़ा हूँ, अब बिल्डिंग का एलिवेशन मैं आपको दिखाई देता हूँ। बिल्डिंग का एलिवेशन सिंपल एंड सोवर आपको मिल रहा है, इसमें खाली आपका एपेक्स का पेंट करके दे रहे हैं, ग्रूविंग करके दे रहे हैं, और ग्लास की रेलिंग आपको मिल रही है SS के टॉप के साथ। इस कंपाउंड के अंदर 25 फीट के रोड आपको मिल रहे हैं। दोस्तों अब चलते हैं अपनी पार्किंग के अंदर, देखते हैं किस तरह की पार्किंग आपको मिल रही है। दोस्तों इस बिल्डिंग की पार्किंग में आ चुके हैं, अब बात करते हैं बिल्डिंग के साइज़ की। 600 गज बिल्डिंग का साइज है, इसके अंदर 4 फ्लैट बने हुए हैं, 2 फ्लैट 200 गज के अंदर 4 BHK और 2 फ्लैट 100 गज के अंदर 2 BHK बने हुए हैं। और देख सकते हैं काफ़ी बड़ी कार पार्किंग आपको मिल रही है, इसमें 20 फ्लैट है बट इजीली इसमें 25 कार पार्क हो जाएंगी। बात करें नीचे ग्रेनाइट की फ्लोरिंग आपको मिल रही है, लाइट एंड डार्क कलर की, वॉल के ऊपर भी काफ़ी अच्छा वर्क करके दे रहे हैं, निशेज बना के दे रहे हैं, ग्रोविंग करके दे रहे हैं, रस्टिक का टेक्सचर करके दे रहे हैं, और फॉल सीलिंग वर्क भी मिलने वाला है इस पार्किंग के अंदर, तो पार्किंग को काफ़ी अच्छा एनहेंस करके दे रहे हैं। देख सकते हैं पिलर पर भी क्लैडिंग करके दे रहे हैं अप्रॉक्स 4 फीट की हाइट तक, जिससे कि पिलर आपके ख़राब ना हो, तो काफ़ी अच्छा वर्क आपको करके दे रहे हैं, और खुली पार्किंग आपको मिल रही है। दोस्तों आज जो फ्लैट मैं आपको दिखाऊंगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें क्योंकि फ्लैट के अंदर काफ़ी अच्छा वर्क आपको मिलने वाला है, और जो काम आपको मिलने वाला है वो 200 गज के फ्लैट के अंदर आपको नहीं मिल पाता इस प्राइस में। तो चलते हैं अपने फ्लैट के अंदर। उससे पहले मैं आपको इसकी स्टेयर्स दिखा देता हूँ। अगर स्टेयर्स की चौड़ाई की बात करें तो 3.5 फीट इसकी चौड़ाई, 10 इंची का स्टेप, और इसमें 6 इंची का राइजर दिया हुआ है, और SS की रेलिंग आपको मिल रही है। लिफ्ट भी वर्किंग है, लिफ्ट भी आपकी पार्किंग टू टेरिस जा रही है। इस बिल्डिंग के अंदर टेरिस आपको कॉमन मिलने वाला है, और नीचे मैं आपको बात करूँ तो अंडरग्राउंड भी टैंक मिलने वाला है पानी का, नीचे भी स्टोरेज आपको मिल रही है, ऊपर भी आपको पानी का टैंक मिल रहा है, तो पानी की प्रॉब्लम आपको फेस करनी नहीं पड़ेगी। अब चलते हैं अपने फ्लैट के अंदर। दोस्तों इस बिल्डिंग के लॉबी स्पेस में आ चुके हैं, देख सकते हैं काफ़ी बड़ी लॉबी स्पेस आपको मिल रहा है, नीचे ग्रेनाइट की फ्लोरिंग आपको मिल रही है 2 पैटर्न में, ऊपर फॉल सीलिंग वर्क भी काफ़ी अच्छा आपको मिल रहा है। बिल्डिंग आप देख सकते हैं बिल्कुल बिल्डिंग रेडी टू मूव इन है, बिल्कुल तैयार बिल्डिंग है, सिर्फ आपको आना है और शिफ्ट हो जाना है। बहुत कम ऐसी बिल्डिंग होती है जो बिल्कुल रेडी टू मूव इन आपको मिलती है, फ्लैट रेडी टू मूव इन आपको मिलता है, तो ये बिल्डिंग बिल्कुल रेडी टू मूव इन है, सिर्फ आपको आना है और शिफ्ट हो जाना है। दोस्तों अब चलते हैं अपने फ्लैट के अंदर। दोस्तों अपने फ्लैट के बारे में आ चुके हैं, आज जो फ्लैट मैं आपको दिखा रहा हूँ 200 गज का 4 BHK फ्लैट आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों अब बात करते हैं डोर के एंट्रेंस की। 3.5 फीट बाई 8 फीट की एंट्रेंस आपको मिल रही है, काफ़ी हैवी डोर फ्रेम दिया हुआ है। फ्लश डोर की बात करें तो दोनों तरफ लैमिनेट लगा के दे रहे हैं, हैंडल SS का मिल रहा है, डोर सेट का लॉक आपको मिल रहा है। एंटर करते ही 16 फीट बाई 20 फीट का लिविंग स्पेस आपको मिल जाता है, जो अपने आप में काफ़ी अच्छा साइज दिया हुआ है, बिल्कुल सेपरेट आपको मिल रहा है, डाइनिंग स्पेस आपको अलग मिल रहा है। वॉल काफ़ी स्मूथ आपको मिल रही है, देख सकते हैं वॉल के ऊपर लाइट कलर का पेंट करके दे रहे हैं,
ऐसा नहीं है कि वॉल के ऊपर अलग अलग कलर का पेंट करके दे रहे हैं, उससे क्या फ्लैट छोटा दिखाई देता है। तो काफ़ी अच्छा इसमें प्लास्टिक पेंट आपको करके दे रहे हैं, सिंगल कलर करके दे रहे हैं, जिससे फ्लैट आपका अच्छा भी दिखाई दे रहा है, बड़ा भी दिखाई दे रहा है। स्प्लिट ऐसे कंड्यूट आपको मिल रहा है, ऊपर काफ़ी अच्छी फॉल सीलिंग वर्क, लाइट वर्क तो काफ़ी अच्छा आपको करके दे रहे हैं। और जितने भी सॉकेट या रिमार्क हैं आपके टीवी के हों, चाहे आपके साइड्स के हों, सारे तरह के आपको पावर के और सॉकेट के स्विचेस मिल रहे हैं। और नीचे 32 इंची बाई 64 इंची की फ्लोरिंग लगा के दे रहे हैं, काफ़ी बड़ी फ्लोरिंग लगा के दे रहे हैं लाइट कलर की, जो काफ़ी अच्छी लग रही है। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें POP का भी काम काफ़ी अच्छा करके दे रहे हैं, POP पनिंग का वर्क काफ़ी अच्छा है, स्मूथ वॉल दिखाई दे रही है। आप चाहते हैं तो एक वॉल को हाईलाइट कर सकते हैं वॉल पेपर से। दोस्तों इसमें एक आपको स्लाइडर UPVC की विंडो मिल रही है, इसमें मॉस्किटो भी मिल रहा है, ग्लास भी मिल रहा है, इससे वेंटिलेशन आपका ठीक रहे इस ड्राइंग रूम के अंदर, तो इसलिए वेंटिलेशन के लिए आपको प्रॉपर एक विंडो मिल रही है। बात करते हैं इसके लेआउट की। दोस्तों इस फ्लैट का लेआउट काफ़ी अच्छा है, देख सकते हैं कि इसमें जितने भी चारों बेडरूम है बिल्कुल हाइड है, काफ़ी अच्छी प्राइवेसी आपको मिल रही है बेडरूमों की। देख सकते हैं दो बेडरूम आपको फ्रंट साइड में मिल रहा है, एक बेडरूम आपको सेंटर में मिल रहा है, और एक बेडरूम आपको बैक साइड में मिल रहा है। सबसे पहले बैक साइड वाला बेडरूम मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों इस बेडरूम के साइज़ की बात करें तो 10 फीट बाई 14 फीट का इसका साइज़ है। जितने भी सॉकेट या रिमार्क है साइड टेबल के, नीचे वुडन कलर की टाइल का यूज़ किया हुआ है जो अच्छी लग रही है, क्योंकि एक बेडरूम को इन्होंने इस तरह से डिज़ाइन किया जैसे कि वुडन फ्लोरिंग की तरह दिखाई दे, बट इसमें वुडन टाइल आपको लगा के दे। बेड के पीछे वाली वॉल को आप हाईलाइट कर सकते हैं, वॉलपेपर लगा सकते हैं, आजकल जो आपके PVC रॉक्स के पैनल्स आ रहे हैं वो भी आप लगा सकते हैं, जो काफ़ी अच्छे लगते हैं। लूअर्स का यूज़ कर सकते हैं, आप चाहते हैं तो ग्रोविंग करा सकते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग इस वॉल को हाईलाइट कर सकते हैं। दोस्तों एक इधर देख सकते हैं आपको वार्डरोब मिल रही है। अगर मैं इसके साइज़ की बात करूँ तो ये अप्रॉक्स 4 फीट बाई 8 फीट की वार्डरोब मिल रही है। इधर TV के लिए पैनल आपको मिल रहा है। वेंटिलेशन के लिए इधर देख सकते हैं एक ओपनेबल विंडो मिल रही है, ऊपर फिक्स ग्लास दिया हुआ है। ऊपर चाहते हैं तो विंडो AC का प्रोविजन है, विंडो AC आप लगा सकते हैं, यहाँ पे विंडो AC आपका इजीली लग जाएगा। इसका अटैच वॉशरूम आपको मिल रहा है। एंटर करते सामने आपको वैनिटी मिल रही है, काउंटरटॉप वॉश बेसिन मिल रहा है, कैरोविट की सारी फिटिंग आपको मिल रही है। CP फिटिंग और सैनिटरी वेयर की बात करूँ तो कैरोविट की आपको मिल रही है, कंसील टैंक, वॉलिंग सीट, डायमीटर आपको मिल रहा है, स्पाउट मिल रहा है, ऊपर सावर दिया हुआ है, और ऊपर भी देख सकते हैं फॉल सीलिंग वर्क करके दे रहे हैं, लाइट वर्क भी आपको करके दे रहे हैं। वेंटिलेशन ठीक रहे इस आपके टॉयलेट का एग्जॉस्ट फैन का पॉइंट दिया हुआ है, और टाइल भी काफ़ी अच्छी लग रही है। देख सकते हैं बीच में पेंसिल्स का यूज़ किया हुआ है, सिल्वर कलर की डार्क कलर की टाइल लगाई हुई है, जो काफ़ी अच्छी लग रही है। अब चलते हैं इसके सेकंड बेडरूम की तरफ। दोस्तों सेकंड बेडरूम में हम आ चुके हैं। अगर मैं इसके साइज़ की बात करूँ तो 14 फीट बाई 12.5 फीट का साइज़ आपको मिल रहा है। सेम कलर की टाइल लगाई हुई है, जो आपके लिविंग एरिया के अंदर टाइल है वही सेम टाइल इसमें लगा के दे रहे हैं, 32 इंची बाई 64 इंची की। वार्डरोब का काफ़ी बड़ी वार्डरोब आपको मिल रही है। अगर मैं इसके साइज़ की बात करूँ 6 फीट बाई अप्रॉक्स 7 फीट की वार्डरोब मिल रही है, बट यहाँ पे जहाँ वार्डरोब आपको बेडरूम के अंदर ही मिल रही है तो यहाँ 2 फीट का स्पेस आपका कम हो जाता है। तो यहाँ पे बात करें जो बेड के साथ वाली आपका स्पेस है वो 12 फीट बाई 12.5 फीट का आपको मिल रहा है, और इस वाले स्पेस में 14 फीट बाई 12.5 फीट का स्पेस मिल जाता है। और इसमें स्प्लिट ऐसे कंड्यूट दिया हुआ है, और काफ़ी अच्छी फॉल सीलिंग वर्क इसमें जिन्होंने देखा है कि फ्लैट सीलिंग करने के बाद कुछ वुडन का वर्क आपको करके दे रहे हैं, और काफ़ी अच्छा लाइट वर्क करके दे रहे हैं। और इस वाली वॉल को हाईलाइट कर सकते हैं, अपने इंटीरियर वर्क के आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। सामने TV की वॉल आपको मिल रही है, जितने भी से सॉकेट हैं रिमार्क हैं आपके साइड टेबल्स के TV के। दोस्तों अब चलते हैं इसके कॉमन वॉशरूम की तरफ। दोस्तों इसके कॉमन वॉशरूम में आ चुके हैं। इसके अंदर एंटर करते ही आपको एक टॉप मिल जाता है, उसके ऊपर काउंटर वॉश बेसिन मिला हुआ है, कैरोविट का आपको वॉल बेसिन मिक्सचर मिल रहा है, वॉल हैंग शीट कैरोविट का असिस्टेंट आपको मिल रहा है, इधर भी डायमीटर कैरोविट का स्पाउट मिल रहा है, ऊपर शावर मिल रहा है, और काफ़ी अच्छी फॉल्सिंग वर्क मिल रही है आपको। और दोस्तों इस वाले टॉयलेट को आप ये कॉमन वॉशरूम भी इसको अटैच भी बना सकते हैं, जो मैंने बेडरूम आपको दिखाया है उससे भी कनेक्टेड है, ये भी डोर आपको मिल जाता है, तो आप चाहते हैं इसको कॉमन भी बना सकते हैं और अटैच वॉशरूम भी बना सकते हैं। दोस्तों इस फ्लैट की USP की बात करूँ, एक तो इसका प्राइस, और दूसरा इसकी किचन, जो इसकी किचन का साइज़ आपको मिल रहा है वो फार्म हाउस के अंदर आपको मिलता है या कोठी के अंदर आपको मिलता है। अब इसकी किचन मैं आपको दिखा देता हूँ। किचन देख सकते हैं काफ़ी स्पेसियस किचन आपको मिल रही है, वॉशिंग एरिया आपको अलग मिल रहा है, इधर L काउंटर आपको मिल जाता है, टॉल यूनिट आपको मिल रही है, मतलब किचन के अंदर जितनी भी एसेसरीज होती है, जितनी बास्केट होती है सारी आपको मिल रही है। सामने चिमनी का स्पेस आपको मिल रहा है, चिमनी इसमें आपको लगा के देंगे, साथ में ग्लास के प्रोफाइल के पल्ले आपको मिल रहे हैं, ऊपर हाईग्लोस एनामेलेट का यूज़ किया हुआ है जो काफ़ी अच्छी लग रही है। काउंटर टॉप की बात करें तो ब्लैक कलर का काउंटर टॉप आपको मिल रहा है, स्कार्टिंग भी लगा के दे रहे हैं, और काफ़ी अच्छी प्रिंटेड टाइल का यूज़ किया हुआ है वॉल के ऊपर, जो काफ़ी अच्छी लग रही है। और इसमें सारा इनोटेक बास्केट का यूज़ किया हुआ है जो सॉफ्ट क्लोजर है, इसमें आपको थाली बास्केट, क्रॉकरी बास्केट मिल जाती है, बोतल पुल आउट मिल रहा है, और देख सकते हैं इधर भी
इस वाले स्पेस को भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें आप डिशवॉशर लगा सकते हैं, तो ये स्पेस भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसे एज ए चॉपिंग काउंटर आप यूज़ कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा स्पेस यूटिलाइज करके आपको दे रहे हैं। सिंगल बाउंसिंग का आपको मूल्य, लॉन्ग बॉडी सिंक मिक्सर आपको मिल रहा है, ओवरहेड आप देख सकते हैं आपको GDPT मिल रही है, जैसे कि आप बर्तन वॉश करने के बाद यहाँ रख सकते हैं। यहाँ भी चाहते हैं तो इस वाले स्पेस को भी यूटिलाइज कर सकते हैं, चाहते हैं क्रॉकरी के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं, तो काफ़ी बड़ा स्पेस आपको मिल रहा है। वेंटिलेशन के लिए स्लाइडर विंडो आपको मिल रही है, ग्लास में भी और मॉस्किटो में भी, और ऊपर देख सकते हैं एग्जॉस्ट फैन का पॉइंट आपको मिल रहा है। फ्रिज के लिए आपको डेडिकेटेड स्पेस मिल रहा है, या फ्रिज आप लगा सकते हैं, और यहीं पर आप डाइनिंग टेबल भी लगा सकते हैं। अगर इसकी स्पेस की बात करें तो ये भी अप्रॉक्स 15 फीट बाई अप्रॉक्स 12.5 से 13 फीट की आपको किचन मिल रही है, जो यहाँ पर मिल रही है, और ये पैसेज आपको अलग मिल जाता है 3 फीट का। अगर इस पैसेज को भी आप इंक्लूड करते हैं तो अप्रॉक्स 15.5 फीट बाई 15.5 फीट की आपको किचन मिल जाती है, जो अपने आप में काफ़ी स्पेसियस है। अब चलते हैं इसके दोस्तों थर्ड बेडरूम की तरफ। इस बेडरूम के साइज़ की बात करें तो ये भी अप्रॉक्स 14 फीट बाई 10 फीट का आपको मिल रहा है, बट इसमें भी वार्डरोब को जो स्पेस है वो लैस हो जाता है, तो मान के चलिए 12 फीट बाई 12 फीट का बेडरूम का स्पेस आपको मिल रहा है। इसमें देख सकते हैं 4 फीट बाई 7 फीट की वार्डरोब आपको मिल रही है, हाई ग्लॉस लैमिनेट का यूज़ किया हुआ है, जितने भी इसे सॉकेट रिमार्क हैं, ऊपर अच्छी वर्टिकल कोप के साथ फॉल सीलिंग, सामने टीवी के पॉइंट आपको मिल रहे हैं। वेंटिलेशन के लिए इधर स्लाइडर विंडो आपको मिल रही है, इसे स्लाइड करेंगे तो प्रॉपर सनलाइट भी आपको मिलेगी और एयर भी आपको मिलेगी। अटैच वॉशरूम आपको मिल रहा है, वॉशरूम के अंदर देख सकते हैं ब्लैक कलर की टाइल का यूज़ किया हुआ है, बीच में भी देख सकते हैं कुछ उन्होंने कटिंग करके लाया हुआ है, जैसे कि हाईलाइट कर रहे हैं आपकी टाइल को, जो काफ़ी अच्छी लग रही है। वैनिटी मिल रही है, वॉल बेसिन मिक्सचर आपको मिल रहा है, कैरोबेट का सिस्टम शीट आपको कैरोबेट की, और इधर डाइवर्टर भी मिल रहा है, स्पाउट भी मिल रहा है, ऊपर अच्छी फॉल सीलिंग वर्क आपको मिल रही है। दोस्तों काफ़ी अच्छा टॉयलेट को भी इन्हेंस करके दे रहे हैं। अब चलते हैं इसके लास्ट बेडरूम की तरफ। दोस्तों इस बेडरूम का साइज मैं बात करूँ तो हर बेडरूम के अकॉर्डिंग से साइज काफ़ी छोटा आपको मिल रहा है, 10 फीट बाई 10 फीट का बेडरूम का साइज आपको मिल रहा है, देख सकते हैं। ऊपर काफ़ी अच्छी फॉल सीलिंग वर्क आपको मिल रही है, आप चाहते हैं तो इस एरिया को स्टडी रूम बना सकते हैं, आप चाहते हैं तो इसे अपने तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, आप चाहते हैं तो बच्चों का रूम भी आप बना सकते हैं, तो इसे अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं आप। सामने टीवी के पॉइंट आपको मिल रहे हैं, जितने भी सॉकेट रिमार्क है, साइड टेबल के स्प्लिट एसी का कंड्यूट आपको मिल रहा है, और ऊपर देख सकते हैं राउंड शेप में काफ़ी अच्छी फॉल सीलिंग वर्क आपको करके दे रहे हैं, और काफ़ी अच्छी लाइट वर्क भी आपको करके दे रहे हैं। वॉल काफ़ी स्मूथ आपको मिल रही है, हर बेडरूम के अंदर एक ही कलर का पेंट आपको करके दे रहे हैं, बट स्मूथ वॉल आपको मिल रही है, और काफ़ी अच्छा POP पनिंग का वर्क किया हुआ है। जितने भी आउटर फ्रेम है इसमें UPVC डोर, UPVC शटर्स मिल रहे हैं आपको, स्लाइडर जिसमें मॉस्किटो भी आपको मिल रहे हैं, ग्लास भी आपको मिल रहा है। देख सकते हैं कि UPVC के बहुत सारे फायदे आपको मिलेंगे। एक तो क्या होता है कि वेदर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसकी लास्टिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, आपकी मेंटेनेंस बिल्कुल कम हो जाती है, मतलब 7-8 साल आपको कुछ नहीं कराना है, और इसकी वारंटी भी होती है 7 ईयर्स की, और 10 ईयर्स की वारंटी भी आपको मिल जाती है, तो मेंटेनेंस बिल्कुल फ्री हो जाती है आपके। अगर UPVC डोर आपको मिल जाते हैं फ्रंट एलिवेशन की तरफ। दोस्तों इसमें एक ही बेडरूम के साथ बेल्कनी आपको मिल रही है, दूसरे बेडरूम में आपको खाली विंडो मिल रही है स्लाइडर, जिससे कि चाहते थे तो मैं गेट भी दे सकते थे, बट गेट देने से नुकसान होता कि क्या है ना कि गेट में आपको प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं मिल पाता, तो इसलिए इसमें विंडो दी हुई है, तो दोनों फ्रंट के बेडरूम आपके फ्रंट की बैल्कनी से कनेक्टेड है। अगर मैं बैल्कनी के साइज़ की बात करूँ तो ये भी अप्रॉक्स 5.5 फीट बाई 12 फीट की बैल्कनी आपको मिल रही है, जिसमें जितना भी कॉमन एरिया है इसमें भी अपेक्स का आपको पेंट करके दे रहे हैं, और फ्रंट एलिवेशन पे SS की रेलिंग आपको मिल रही है, ग्लास मिला रहा है, नीचे स्टॉप आपको ग्रेनाइट का लगा के दे रहे हैं। दोस्तों पूरे फ्लैट की डिटेलिंग मैंने कर दी है, फ्लैट आपको कैसा लगा, मेरी वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों इस तरह की और प्रॉपर्टी देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.sastagarh.in। इस वेबसाइट पर जाकर अपने बजट के अकॉर्डिंग आप प्रॉपर्टी देख पाएंगे। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी के लैंड टाइटल के बारे में और प्राइस के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इस बिल्डिंग के अंदर एमिनिटीज़ क्या क्या मिल रही है। दोस्तों अगर एमिनिटीज़ की बात करूँ तो इसके अंदर कार पार्किंग आपको मिल रही है, लिफ्ट मिल रही है, कॉमन टेरेस आपको मिल रहा है, और सारी गवर्नमेंट सुविधाएँ आपको मिल रही है। कॉमन टेरेस में आपको दिखाना चाहता हूँ, टेरेस काफ़ी बड़ा आपको मिल रहा है, को गेट टुगेदर कर सकते हैं, फैमिली का फंक्शन कर सकते हैं, और आसपास का व्यू मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आसपास कितना अच्छा लस ग्रीन एरिया आपको मिल रहा है, फिर टेरेस में जाकर ही बताऊंगा इस प्रॉपर्टी का लैंड टाइटल और प्राइस। अब चलते हैं अपने टेरेस की तरफ। दोस्तों इस बिल्डिंग के रूफटॉप टेरेस पर हम आ चुके हैं, देख सकते हैं 600 गज का पूरा रूफटॉप टेरेस आपको मिल रहा है, इसे अपने अकॉर्डिंग आप यूटिलाइज कर सकते हैं, कोई फैमिली का फंक्शन, गेट टुगेदर, बर्थडे पार्टी आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब दिखाना चाहता हूँ इसके आसपास का आपको एरिया, सामने आप देख सकते हैं कितना अच्छा लश ग्रीन एरिया आपको मिल रहा है, सामने DLF फार्म हाउस है, रोड आपको नज़दीक दिख रहा होगा, रोड से अप्रॉक्स 20 मीटर की दूरी पर ही ये प्रॉपर्टी अवेलेबल है, और लेफ्ट साइड में देखते हैं तो आपका अंसल फार्म पड़ता है, तो इस चारों तरफ फार्म हाउस से घिरी हुई प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पर जो इन्वायरमेंट है आबोहवाएँ काफ़ी अच्छी रहने वाली है, जिससे आपकी बच्चों की सेहत, आपकी सेहत अच्छी रहेगी, क्योंकि
दिल्ली के अंदर इस तरह की प्रॉपर्टी मिलना नामुमकिन है जहाँ आसपास इतना अच्छा लश ग्रीन एरिया हो। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉपर्टी के लैंड टाइटल के बारे में, प्राइस के बारे में। अगर लैंड टाइटल की बात करूँ तो रजिस्ट्री की प्रॉपर्टी है, इजीली फाइनेंस भी आपको मिल जाएगा। अगर प्राइस की बात करूँ तो 1,20,00,000 इसका आस्किंग प्राइस है, वो भी गेटेड कंपाउंड के अंदर। देर ना करें, सस्ता घर के साथ अपनी विजिट आज ही प्लान करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें। ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। मैं सचिन गहलोत आपसे फिर मिलूंगा, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अब खुशियाँ नए पते पर।